बेदिया के नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण पश्चिम बंगाल में दुखद घटना को लेकर लोगों में रोष है। स्थानीय लोगों के साथ देश के कोने कोने से दुष्कर्मी की सजा की मांग की जा रही है। वहीं नरकटियागंज में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोपितों पर स्पीड ट्रायल कर कार्यवाही करने की मांग की है। मौके पर नगर सभापति रीना देवी, उप सभापति पूनम देवी, हरिशंकर प्रसाद, अर्जुन सोनी, पवन वर्मा, पूर्व वार्ड पार्षद संतोष राज, आकाश श्रीमुख, भाजपा नेत्री रेणु देवी, माला देवी, जूही, यास्मीन आदि काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं कि आज भी औरतें चाहे लड़की कहीं भी सुरक्षित है, और जितनी बेरहमी से हमारी लड़कियों को हमारे घर की बेटी बहू के साथ नहीं कर सकते हैं, और जनता जो है हम लोग बेटियों के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन साथ नया जल्दी से जल्दी नरकटियागंज के कैंडल मार्च निकाले हैं ममता सरकार बंगाल के विरोध में। आज महिलाएं वहां पे कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जो काम कर रही है महिलाएं, जो 8 से 9 तारीख के बीच में जो घटना घटी है सेना की डॉक्टर महिला के साथ, और वो ममता सरकार संरक्षक देकर ऐसे ऐसे गुंडों को अपने घर में पाली है, अपने राज्य में पाली है। कहीं भी महिलाओं वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, काम करने में असहज महसूस कर रही है, और वो संरक्षक कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुआ है, रेप हुआ है ममता सरकार में, वो बहुत ही निंदनीय है। उसके हम लोग निंदा करते हैं, और हम वहाँ के सरकार से मांग करते हैं स्पीडी ट्रायल चलाकर और दोषियों को फांसी दे, कड़े से कड़ा सजा दे। महिलाएं सुरक्षित नहीं है ममता के सरकार में, वह खुद एक महिला है, और एक महिला के सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं। बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।